मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली। आज मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड एमडीएस यूनिवर्सिटी सिलेबस के अनुसार एफर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, उद्यमिता के विकास के लिए भारत में जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत में उद्यमियों के धीमे विकास के कारण क्या थे। उसमें कुछ कारण थे, वर्ण व्यवस्था, वंशानुगत परंपरा या व्यवसाय, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास, भौतिकवादिता, साहस भावना का अभाव, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का अभाव, पूंजी की कमी, बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, अपर्याप्त सुविधाएं, अव्यावहारिक नीतियां, अफसरशाही प्रवृत्ति एवं लाल फीताशाही, भारी कर एवं भ्रष्टाचार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, अनुकूल वातावरण का अभाव, शोध एवं विकास कार्यों पर अपर्याप्त ध्यान। ये कुछ ऐसे कारण थे जो भारत में उद्यमियों या उद्यमिता के विकास में मतलब कमी ला रहे थे, नहीं होने का कारण थे। अब क्या प्रयास भारत में हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे अब और देखेंगे भी क्या प्रयास हुए हैं। कुछ बिंदु हम देखेंगे। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में उद्यमिता का विकास सीमित ही रहा। इसका प्रमुख कारण ये था कि देश में कोई भी निश्चित औद्योगिक नीति नहीं थी। इस समय तक देश में उद्योगों के विकास में ब्रिटिश लोगों, मुंबई के पारसियों, गुजरातियों तथा राजस्थान के जैनियों, अग्रवालों, खंडेलवालों, माहेश्वरियों तथा अन्य हिंदू जातियों का ही विशेष हाथ रहा है। इन उद्योगों का संचालन करने वाले उद्यमी मूल रूप से व्यापारी, आयातक, निर्यातक, जमींदार आदि से ही थे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक ही की संख्या बहुत कम थी इनकी, और कुछ जातियों एवं भौगोलिक क्षेत्रों के लोग ही उद्यमियों के रूप में कार्य करते थे। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उद्यमियों के विकास के लिए कुछ नियोजित सुनियोजित प्रयास किए गए। उसमें ये प्रयास आप सामने देख रहे हैं, ये प्रयास किए गए हैं। पहला प्रयास है व्यावहारिक औद्योगिक नीति की घोषणा। उद्यमियों के विकास में औद्योगिक नीति का बड़ा महत्व रहा है। हमारे देश की औद्योगिक नीतियों के ने उद्यमियों के विकास में योगदान दिया है। 1991 की नीति के बाद से तो देश में उद्यमियों के विकास को विशेष बल मिला है। इस नीति द्वारा अनेक उद्यमियों को जन्म मिला। पुराने उद्यमी अधिक स्वतंत्रता से उद्योग लगाने लगे। इस नीति के वक्तव्य से उद्यमियों को औद्योगिक वातावरण में निश्चितता का आभास होने लगा। परिणाम स्वरूप नए उद्यमियों में उद्योग लगाने की रुचि बढ़ी। दूसरा जो है वो था लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण। सरकार ने देश में उद्यमियों का विकास करने के लिए लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण किया है। लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम किया तथा औपचारिकताओं को न्यूनतम रखा गया है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई। हाँ, तीसरा जो है वो है अन्य आर्थिक नीतियों का उदारीकरण। भारत में लगभग पिछले एक दशक से अन्य सभी आर्थिक नीतियां तथा आयात निर्यात नीति, कराधान नीति, मौद्रिक नीति, तकनीकी नीति आदि को बहुत अधिक उदार बनाया गया है। इससे हमारे देश में उद्यमियों, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के विकास को बल मिल रहा है। अगला है वस्तुवार नीतियों की घोषणा। हमारे देश में नए विद्यमान उद्यमियों के विकास में नई वस्तुवार नीतियों ने विशेष योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों से देश में वस्त्र नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, औषध नीति की घोषणा की जा रही है। इससे उन उद्योगों के क्षेत्र में नवाचार करने वाले, नवीन वस्तुओं के निर्माण करने, नए बाजारों को खोजने तथा नया विकास करने की दिशा में उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। फिर अगला है दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा।
सरकार ने दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा भी जनवरी 1986 में कर दी है। इसमें समय समय पर संशोधन किया जा रहा है। नई नीति की घोषणा से उद्यमियों को सरकार की दीर्घकालीन कर नीति का ज्ञान होगा। इससे उद्यमी अपने भावी उपक्रमों में करों के विकास का अधिक निश्चितता के साथ अनुमान लगा सकते हैं। और अगला है उद्यमी सहायता इकाई की स्थापना। भारत सरकार ने उद्योग विकास विभाग के अंतर्गत ही सन 1966 में उद्यमी सहायता इकाई की स्थापना की गई थी। यह इकाई उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951, विदेशी सहयोग, पूंजीगत माल के आयात, भारतीय मूल के विदेशियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करने में सहायता करती है। यह इकाई उद्यमियों के प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही की स्थिति से भी अवगत करवाती है। यह इकाई उद्यमियों की अनेक समस्याओं को सुनकर उन्हें सरकारी संस्थाओं को दूर करवाने का प्रयास भी करती है। फिर है विकास संस्थाओं की स्थापना। भारत में उद्यमियों के विकास के लिए अनेक विकास संस्थानों की स्थापना की गई है। उद्यमिता विकास केंद्र, जिसे उद्यमी परामर्श संगठन, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केंद्र, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, जिला उद्योग केंद्र, विकास केंद्र आदि संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएं उद्यमियों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जिससे देश में साहसियों को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। भारत में सरकार ने अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है। ये वित्तीय संस्थाएं नवीन उद्यमियों की परियोजना तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करती हैं। ये इनके लिए स्थायी पूंजी के साथ साथ बीज पूंजी, कार्यशील पूंजी भी प्रदान करती हैं। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में निजी क्षेत्र में कई उद्यम पूंजी कोष, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियों की स्थापना हो रही है। ये कंपनियां भी नवीन उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कर उन्हें उद्योग स्थापित करने में सहयोग करती हैं। फिर पूंजी बाजार का विकास। भारत सरकार ने लघु एवं वृद्ध स्तरीय सभी उद्यमियों के लिए पूंजी बाजार का विकास करने के भरसक प्रयास किए हैं। आज 25 लाख रुपए की छोटी सी इच्छुकता पूंजी वाली कंपनी को भी अपने अंशों का सार्वजनिक निर्गमन कर सूचीयन करवा सकती है। बड़ी कंपनियां तो अपने अंश जारी कर स्कंद विनिमय केंद्रों पर सूचीयन कराती हैं, और इस तरह से आप देख रहे छोटी कंपनियों को भी शेयर जारी करके पूंजी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त देश में पूंजी बाजारों को नियमन की प्रभावी व्यवस्था से भी निवेशकों से अपना धन कंपनियों में निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। फिर पूंजी निर्गमन प्रणाली का उदारीकरण। अब हमारे देश में कंपनियों द्वारा अंश पूंजी जारी करने पर बहुत कम प्रतिबंध है। कोई भी कंपनी केवल सेबी से अपने प्रविवरण का अंकन करवा कर बाजार में अंश जारी कर सकती है। कंपनियां निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए अंशों पर प्रीमियम भी स्वेच्छा से निर्धारित कर सकती हैं। पूंजी निर्गमन में उदारीकरण के कारण उद्यमियों के लिए उपक्रम स्थापित करना आसान हो गया है। फलतः नए नए उद्यमी बाजार में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर है 11वां पॉइंट, औद्योगिक बस्तियों तथा क्षेत्रों का विकास। लगभग सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में औद्योगिक बस्तियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रही हैं। सरकारें इन बस्तियों क्षेत्रों में सभी आधारभूत साधन तथा सड़क, संचार, परिवहन, बैंक, बीमा, विद्युत, जल आदि उपलब्ध करा रही है। इनसे उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है। फिर अनुदान राशि की उपलब्धि। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के सहयोग से उद्यमियों को नवीन उपक्रमों की स्थापना के लिए नकद अनुदान भी उपलब्ध किया जा रहा है। अनुदान की राशि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। जो क्षेत्र जितना अधिक पिछड़ा होता है, अनुदान की राशि भी उतनी ही अधिक होती है। इतना ही नहीं, अब कई राज्य सरकारें नवीन उद्यमियों के उपक्रमों को प्रारंभिक कुछ वर्षों तक बिक्री कर से मुक्त भी कर सक रही हैं। और इसके अतिरिक्त कई सरकारें नवीन उद्यमियों को ब्याज अनुदान, परिवहन अनुदान, कच्चा माल अनुदान भी दे रही है। इन अनुदानों से भी उद्यमियों के विकास में सहायता मिल रही है। फिर
लघु उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं। सरकार ने देश में लघु उद्यमियों के लिए विशेष प्रयास किए हैं। उनकी पूंजी संपत्तियों में विनियोग की सीमा को 1 करोड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त करों की दरों में अपेक्षाकृत कमी की गई है। अनेक औद्योगिक अधिनियमों में भी नवीन लघु साहसियों को छूटें प्रदान की गई हैं। इनके अतिरिक्त लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण जून 2006 में 506 आरक्षित उत्पाद भी किया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी विभाग लघु उद्योगों के उत्पादों को खरीदने में प्राथमिकता भी देते हैं। महिला उद्यमियों के विकास पर विशेष ध्यान। सरकार महिला उद्यमियों के विकास पर विशेष बल दे रही है। सीडो की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। दिल्ली प्रशासन ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष संस्था स्थापित की है। इसके अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम ने तो महिला साहसियों की रियायती दरों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना भी प्रारंभ कर दिया है। कई बैंकों ने महिला उद्यमियों को रियायती दर पर वित्त प्रदान करने की योजना तैयार की है। अब फिर है जो प्रयास किए गए हैं आधारभूत संसाधनों की। 15 जो पॉइंट है, आधारभूत संसाधनों की उपलब्धि। उद्यमियों के विकास में एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि पहले की तुलना में आधारभूत संसाधन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। कच्चा माल, शक्ति के साधन, भूमि, परिवहन, संचार, पूंजी आदि अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। सरकारी विभाग तथा सरकार द्वारा स्थापित उद्योग विकास निगम इस दिशा में विशेष ध्यान दे रहे हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में उद्योग विकास निगम स्थापित किए गए हैं, जो उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत साधन उपलब्ध करा रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र भी आवश्यक साधन एवं सुविधाएं जुटा रहे हैं तथा उद्यमियों को सहायता पहुंचा रहे हैं। इनके प्रयासों से भी उद्यमियों के विकास की गति को योगदान मिला है। फिर है प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास। उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक संगठन प्रयास कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, दूसरा लघु उद्योग विकास संगठन, तीसरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम, चौथा राज्य स्तरीय परामर्शदात्री संगठन एवं अन्य कई संगठन हैं। फिर 17वां है प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। व्यावसायिक उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ती है, और टीओटी कराने, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय औद्योगिक उद्यमिता विकास संस्थान गांधीनगर गुजरात इस दिशा में प्रयास कर रहा है। यह संस्थान प्रशिक्षकों तथा अभिप्रेरकों को प्रशिक्षण देने, आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने, उद्यमिता के विकास के लिए आवश्यक सूचना सामग्री तैयार करने तथा अनुसंधान करने का कार्य करता है। फिर है इससे संबंधित लिटरेचर। भारतवर्ष में उद्यमियों के विकास के लिए आवश्यक साहित्य का सृजन किया जाने लगा है। देश में कार्यरत 18 तकनीकी सलाहकार संगठनों ने साहित्य सृजन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने अनेक प्रकार के सर्वेक्षण कर साहित्य का सृजन किया, जिनमें व्यावहारिकता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट्स, क्षेत्रीय विकास सर्वेक्षण प्रतिवेदन, बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन, रुग्ण इकाइयों पर प्रतिवेदन आदि प्रमुख हैं। फिर 19वां है परामर्श सहायता। उद्यमियों के विकास के लिए विभिन्न संगठनों ने परामर्श सहायता भी उपलब्ध करना प्रारंभ किया है। लघु उद्योग विकास संस्थान, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उद्यमियों को तकनीकी, प्रबंधकीय एवं आर्थिक क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करता है। फिर है विज्ञान एवं तकनीकी पार्कों की स्थापना। देश में उद्यमियों के विकास के लिए अब विज्ञान एवं तकनीकी पार्क भी स्थापित किए जाने लगे हैं। इन पार्कों के जो उद्देश्य हैं, वो पहला उद्देश्य है शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के सहयोग से उद्यमियों को उच्च स्तर की तकनीकी अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरा शोध संस्थान एवं औद्योगिक उपक्रमों के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखना, तीसरा विज्ञान एवं तकनीकी स्नातकों से उद्यमिता की भावना का विकास करना, और ये सब किया जा रहा है। फिर है राष्ट्रीय पुरस्कार। लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना प्रारंभ की है। इसमें 3 पुरस्कार रखे गए हैं, जो क्रमशः 25,000 रुपये, 20,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए
10,000 रुपये का अलग से पुरस्कार भी है। ये पुरस्कार वर्ष के एक बार नकद में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को प्राप्त होते हैं जिन्होंने पुरस्कार के वर्ष पिछले 5 वर्षों में कोई अपनी औद्योगिक इकाई लगाई हो। फिर है स्वरोजगार योजना। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत रियायती दर से बैंकों से प्राप्त ऋण प्रदान किए जाते हैं, कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। और अंत में विचार गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन। उद्यमियों के विकास के लिए देश एवं विदेश में विचार गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। भारतीय औद्योगिक उद्यमिता संस्थान ने भारत में कई नगरों में विचार गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया है। राजकोन ने भी समय समय पर राजस्थान के विभिन्न शहरों में साहस विकास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। ये जो प्रयास है अभी भारत में आगामी वर्षों में उद्यमियों का जो विकास है वो और भी तीव्र गति से हो सकेगा। इसके साथ साथ कुछ सुझाव हैं, वो है सभी महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए पृथक दीर्घकालीन नीति की घोषणा करनी चाहिए। दीर्घकालीन वित्तीय नीति का बजट घोषणाओं में पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। गांवों में अर्ध शहरी क्षेत्रों में संचार परिवहन सेवाओं का विकास करके यहाँ उद्यमियों को आगे बढ़ाना चाहिए। वास्तविक उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने चाहिए, केवल ऋण मेले लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। पांचवा है छोटे उद्यमियों को कार्यशील पूंजी के लिए भी ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। छठा है राष्ट्रीय, ये मतलब सुझाव है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रयास जो किए गए वो तो है ही, इसके अलावा कुछ और सुझाव जो है मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान कर में रखकर उद्यमियों को नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। सातवां है तकनीकी परामर्श संगठनों को स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से नवीन वस्तुओं के निर्माण का अध्ययन करना चाहिए। आठवां है वित्तीय संस्थाओं को छोटे उद्यमियों को अधिकाधिक ऋण कोष उपलब्ध कराना चाहिए तथा रियायती दरों पर ऋण देना चाहिए। नौवां और भी सरकारी तंत्र को और सरल बनाया जाना चाहिए ताकि छोटे उद्यमी साहस करके उपक्रम को स्थापित कर सकें। दसवां उद्यमियों की सहायता के कार्यक्रम बनाने की अपेक्षा उन्हें लागू करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। फिर ग्यारहवा है औद्योगिक नीति में यथा समय आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि देश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो सके। फिर अगला है वार्षिक बजटों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पूंजी निवेश का वातावरण बन सके तथा उद्यमियों को पूंजी प्राप्त हो सके। अगला सुझाव है वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं एवं उद्यमियों से निकट संपर्क बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला है औद्योगिक बस्तियों में स्थान, कच्चे माल, शक्ति के साधन आदि की सुविधा पूर्वक उपलब्ध होने चाहिए। और शिक्षण संस्थाओं तथा स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थाओं में उद्यमिता के विकास के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सके। तो ये कुछ प्रयास एवं सुझाव थे उद्यमिता के लिए। धन्यवाद।